उत्तराखंड में भांग की खेती को मंजूरी दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वालों का यह कहना है कि इससे नई पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ जाएगी। हालांकि सरकार के अपने तर्क हैं और वो इसे फायदा का सौदा बता रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कभी भांग की खेती हुआ करती थी, तब लोग इसके दानों को गर्म मसालों के तौर पर इस्तेमाल करते थे और इसके रेशे से रस्सियां बनाई जाती थी। लेकिन जब भांग की खेती नशे के कारोबार का जरिया बनी तो इसे पहाड़ से उजाड़ दिया गया। एक बार फिर जब कुछ शर्तों के साथ भांग की खेती को इजाजत दी गई है, इसका फिर से विरोध शुरू हो गया है। कि जो भी विरोध, जो भी जिस भी चीज का विरोध जनता करती है, हरीश सावंत जी उसको बढ़ चढ़ाकर लगातार उसको करने का कार्य करते हैं। स्टोन कैसर का विरोध हुआ तो सरकार ने तमाम बड़े बड़े स्टोन कैसर के आवंटित कर दिए। दुकानों का विरोध हुआ तो सरकार ने शराबी दुकान खोलना शुरू कर दिया, अब फैक्ट्री भी लगानी शुरू कर दी। अब भांग की खेती का विरोध हुआ तो सरकार ने दोबारा भांग की खेती का शासन जारी कर दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य को लेकर। खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, भांग माफिया कहेंगे कि रेशा चाहिए हमको, इसीलिए तो भांग की खेती पर बैन था। जो लोग रेशे के नाम से लाइसेंस लेते थे पहले और वो गांजा, चरस, भांग ये बेचते थे, यहाँ की जनता को आपने शराबी बनाया। हालांकि इसके पक्ष में भी तर्क दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भांग की खेती पहाड़ों पर रोजगार का बड़ा जरिया बन सकती है। खासकर इसके रेशे से रस्सी, कपड़ा और दूसरे सामान बनाए जा सकते हैं। वहीं भांग की लकड़ी ईंधन के रूप में इस्तेमाल में लाई जा सकती है, जबकि भांग की पत्तियों का दवाओं में इस्तेमाल हो सकता है। भांग की खेती तो ऐसी है कि बिना कोई खेती न भी करे तब भी भांग उग जाती है, भांग लग जाती है तो उसको नष्ट करना पड़ता है। उसके ऊपर अगर लाइसेंस होगा, लाइसेंस का मतलब प्रतिबंधित शर्तों के साथ कोई चीज देना। अब शराब का लाइसेंस है तो शराब के लाइसेंस के साथ शर्तें हैं। दरअसल सरकार ने 0.3% THC वाले भांग की ही खेती की अनुमति दी है। कहा जा रहा है कि इस भांग का इस्तेमाल नशे के लिए नहीं किया जा सकेगा, यानी 0.3% से ज्यादा THC हुआ तो खेती को खतरनाक माना जाएगा और उसे नष्ट किया जाएगा। लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार जितनी आसानी से इसके लाइसेंस देने जा रही है उतनी आसानी से इसकी निगरानी हो पाना काफी कठिन है। ये भांग की खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है, ये पहाड़ के युवाओं का को समाप्त करने वाली बात होगी और इसके आने वाले समय में बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलेगा। युवाओं में नशाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, इससे कोई रोजगार से कोई ऐसा लाभ होना नहीं है, इसका दुष्परिणाम ही देखने को मिलेगा। चाहते हैं कि इसका मतलब ये इस प्रकार के निर्णय वापस लिए जाने। असल में पहाड़ों पर शराब की लत ने बड़े पैमाने पर लोगों को अपने में जकड़ रखा है और अब भांग की खेती लोगों को डरा रही है। उनके मुताबिक व्यवस्था में जरा भी कमी रह गई तो नई पीढ़ी को नशे की तरफ जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। यानी ये कदम अगर जल्दबाजी में उठाया गया तो इस पर विचार करने की जरूरत है। देहरादून से सोनू सिंह, पिथौरागढ़ से कोमल मेहता और श्रीनगर से कपिल पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।